दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसा एक नागा जवान की जो कि कारगिल युद्ध में बिना जूते से पाकिस्तान का बंकर ऊपर पहुंच गया था और हमला करके उसको नष्ट कर दिया था। हाँ दोस्तों, आपको तो पता होगा नागा में हेड हंटर के बारे में, तो हेड हंटर ऐसा होते हैं जो कि एक बार दुश्मन के ऊपर विजय पाने के बाद उसका धड़ से सर अलग करके उसका सर को अपना देश को लेके आ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन निकिजा कुकेंग्रुस के बारे में जो कि हमारा इंडियन आर्मी का राजपूताना राइफल का घातक जो रेजिमेंट है वो घातक रेजिमेंट का कमांडर थे। दोस्तों इनका पास 30 ऐसा जावाज वीर रहते थे जो कि घातक रेजिमेंट का ये कमांडिंग ऑफिसर। दोस्तों 1999 इसमें कारगिल का जो वार छेड़ गया था उस टाइम में हमारा जो कैप्टन निकिजा को उनको उनका जो कमांडर उनको ये टारगेट दिया कि पहाड़ के ऊपर जो पाकिस्तानी सैन्य बैठे हुए हैं और हमारा इंडियन सैन्य को तीक्ष्ण नज़र में देख रहे हैं और ये पहाड़ के ऊपर 16,000 फीट के ऊपर में था जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्टर। वो क्रॉस सेक्टर में पाकिस्तानी का ऐसा एक मशीन गन का पोस्ट था जिससे हमारा भारतीय सेना को नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा था। तो उस टाइम में कैप्टन को ये भार दिया गया, टारगेट दिया गया कि ऊपर में जो मशीन गन है पाकिस्तानी का उसको चुप कराओ। तो दोस्तों ये जो 16,000 फीट था इतना आसानी नहीं था चढ़ने के लिए और उसका जो बर्फीले हवा और उसका जो बर्फ इतना खिसक रहा था जो कि ऊपर चढ़ने के लिए भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों उस टाइम में कैप्टन अपना घातक सेना को तैयार किए और अपना टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए। तो जब आगे बढ़ गए तो उस टाइम में उनको ऐसा एक परिस्थिति का सामना करना पड़ा जो कि जब वो आगे बढ़े तो उनको जो बर्फीली पहाड़ है वो पहाड़ के ऊपर कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिला जिसको पकड़ के ऊपर चढ़ सके। तो खुद अपना जो नाखून है नाखून में और नाखून के जो हाथ का नाखून है उसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे और रस्सी को कोई एक पत्थर के बर्फ का पत्थर के ऊपर लगा देते और उसके ऊपर चढ़ जाते और उनका ये लक्ष्य था कि कोई भी एक बंदा जाके एक सैन्य जाके ऊपर में कोई एक अच्छा पत्थर के ऊपर रस्सी को खींच के बांधे और नीचे से पूरा प्लाटून ऊपर चले जाए पाकिस्तान का जो सैन्य के पास। तो दोस्तों जिसका करने का मतलब आगे जाने का दिल होता है कभी वो हार नहीं मानता है। तो ऐसे थे निकिजा को, कैप्टन निकिजा को अपना प्लाटून को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ गए और आगे बढ़ते गए। तो जिस समय उनको कोई एक सहारा मिल गया रस्सी फेंक के कोई रस्सी कोई पत्थर के ऊपर लग गया तो उसी सहारे वो एक एक इंच चढ़ने के लिए कोशिश किए और इतना बर्फीले पहाड़ था जो कि उनका पैर खिसक रहा था। तो दोस्तों उनका सामने दो चीज़ था, एक तो ऊपर में पाकिस्तानी सैन्य बैठे हुए हैं और उनका मौत इंतज़ार कर रहा है और नीचे वो 16,000 फुट का खाई है जो कि नीचे गिनने से भी मौत इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों ये दोनों मौत को गोला लगा के वो आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ के ऐसा रात था जिस दिन 28 जून 1999 वही रात में वो आगे बढ़ के ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंचने से पहले उनको और एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो पहाड़ का जो बर्फ इतना खिसक रहा था कि वो बीच में ही अटक गए, ना ऊपर गए ना नीचे आए। तो उस टाइम में उनको गांव में नागालैंड का एक छोटे बच्चे उम्र का जो काम उनको याद आया, उनको ये आइडिया आ गया जब गांव में कोई पेड़ के ऊपर छोटे बच्चे के टाइम में चढ़ रहे थे तो उस टाइम में वो अपना चप्पल निकाल के खाली पैर में चढ़ रहे थे तो उनको वही आइडिया आया और अपना जूते को बाहर फेंक दिया
और ये बर्फीले हवा और ये बर्फ के ऊपर अपने नाखून को वो बर्फ के ऊपर इंच इंच के ऊपर रख के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश किए। तो उनका जो कोशिश था वो कोशिश सफल हुआ। तो ऊपर जैसे कैप्टन पहुंचे तो पाकिस्तानी सैन्य ने अपना गोलीबारी स्टार्ट कर दी और कोई एक गोली आके उनका कैप्टन का पेट में लगा और पेट से उनका अंत जो है बाहर निकल गया और ब्लड बहने लगा। तो उस टाइम में उनका जो सैनिक थे उनको नींबू साफ करके बुलाते थे, तो उनका जो सैनिक कोई एक सैन्य बोला, नींबू साहब आपका पेट से बहुत ब्लड निकल रहा है। तो उस टाइम में नींबू साहब उनको यही बोले, कैप्टन कि आपका मिशन को आप टारगेट करो, मेरा जो ब्लड निकल रहा है मैं बेल्ट कस के बांध देता हूँ और ब्लड इतना निकलेगा नहीं। ऐसे ये था एक जावाज का जो आंसर उस टाइम में। और ऊपर चढ़ते गए और नीचे की तरफ देखे तो खाई है। तो उनका सामने एक ही मकसद था कि हमारा तिरंगा को कैसे वो पाकिस्तानी के पास जाके उसको फहराएंगे। तो ये गोली लगने के बाद भी ऊपर चढ़ते गए और ऊपर चढ़ के जब ऊपर पहुंच गए तो उस टाइम में पाकिस्तानी जो सैनिक देख के पूरा उनका अंदर में डर पैदा हो गया था। तो जब उस टाइम में मशीन गन से पाकिस्तानी जो सैनिक थे मशीन गन से उस टाइम में मशीन गन का तोप उनका तरफ रख दिया और मशीन गन के तरफ से पूरा फायर उनके ऊपर हो गया। तो उस टाइम में कैप्टन नींबू साहब उस टाइम में जाके खाई के अंदर गिरे और उनका बॉडी खाई के अंदर गिरा। तो कैप्टन निखिजा को कैंग्रूस को उनका जो प्लाटून का सैन्य है जो फोर्स है उनको दिल से सलामी दिए और वो लोग ऊपर चढ़ते रहे जाके पाकिस्तानी सेना का बंकर को 7 बंकर को ध्वंस कर दिया और सैनिकों को मार दिया। तो ऐसा वीर जो अपना मातृभूमि के लिए अपना देश के लिए अपना जीवन को देने के लिए तैयार होता है और अपना टीम को अपना मिशन के पास टारगेट में पहुंचा देता है और अपना कमांडर का जो वार्ड है जो टारगेट है वो टारगेट को भी टच करता है। तो दोस्तों ऐसा वीरों को आपका तरफ से और मेरा तरफ से हम लोग लाख लाख सलाम करते हैं। दोस्तों उनका यही नावा जो वीर गाथा के लिए ये युद्ध हमारा तरफ आ गया और पाकिस्तानी सैन्य उधर से भाग गए और हमारा तिरंगा हर दिन के लिए उधर फहरा दिए। तो दोस्तों इनको हमारा देश के तरफ से उनका जो मरणोपरांत उनको एक अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड है महावीर चक्र में उनको नवाजा गया। तो दोस्तों मेरा तरफ से यही है कि मैं आप लोगों को हमारा देश का जो वीरों हैं उन जो शहीद हो गए उनके बारे में कुछ बताऊं और आपका कुछ नॉलेज मैं आगे बढ़ा सकूं।